हेलो दोस्तों, आइए अंतर समझेंगे वेरी और सो में। वेरी और सो में देखिएगा, बहुत ही आसान। वेरी जो होता है ना, ये वेरी सेंस देता है पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंस देता है ये, राइट। और जो सो होता है ये नेगेटिव सेंस देता है। पॉजिटिव सेंस मिलेगा वेरी से, जबकि सो से मिलेगा हमें नेगेटिव सेंस, यानी कि अर्थ भाव जो निकलेगा। जैसे किसी के बारे में हमें अच्छी अच्छी बात करनी है, सही सही कहना है, अच्छा बताना है, तो आप उस एडजेक्टिव से पहले लगाएंगे वेरी। जैसे आपने देखा होगा ना बचपन में, स्कूल में भी हमको मिलता आया है गुड, तो टीचर हमेशा वेरी गुड लगाते हैं, है ना, वेरी गुड, अच्छा अच्छा है। लेकिन आप किसी चीज, जैसे आपने कोई शर्ट खरीदा और वो अच्छा नहीं है, बैड है, तो आप कहेंगे इट इज वेरी बैड। तो अगर आप ऐसा कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बैड बैड जो होता है ये तो बुरा सेंस देता है, गलत खराब सेंस देता है। तो ऐसी सूरत में अगर आप नेगेटिव सेंस देने वाली चीजों के पहले वेरी लगाएंगे तो ग्रामर के हिसाब से ये सही नहीं होगा, यानी इसके पहले लगना चाहिए सो। दिस शर्ट इज सो बैड, इट इज सो बैड, इट इज वेरी गुड, राइट। तो समझ गए ना आप, वेरी जो होता है वो पॉजिटिव सेंस देता है और सो जो होता है वो नेगेटिव सेंस देता है। तो जब भी आपको अच्छी अच्छी बात कहनी है, अच्छी बात की बात करना है, तो प्रयोग करेंगे, और जब आप बात की बात कर रहे हैं उससे पहले वे जगह